वेलकम टू इंडियन एडवर्सिटीज़। आज मैं आपको थोड़ा इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या बताएगा डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज। तो DSSC जो है यहाँ पर DSSC क्या है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, ठीक है। तो इसके थ्रू आपके लिए जॉब रेस करती है, तो जान के खुशी हो रही है। कौन से पोस्ट हैं, कौन से किस तरीके से क्या करनी पड़ेगी, चलिए बताता हूँ। चलिए इसी चीज़ पर डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। चलिए तो नेम ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पर आ देखे पोस्ट नेम, यहाँ पर देखे थे क्या लिखा है, स्टेग्नोग्राफर ग्रेड सेकेंड। तो लेवल आपको सेवन्थ लेवल तक का आपको 25,000 से लेकर के 81,000 तक की आपकी सैलरी रहेगी फोर्थ लेवल पे, ठीक है, फोर्थ लेवल पे। और वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 4 है, तो UR के लिए 3 है, OBC के लिए फर्स्ट है, बस इसके लिए नहीं है। और एज यहाँ पर 18 से 27 साल के बीच में, ठीक है। लोअर डिवीज़न क्लर्क का यहाँ पर सेकेंड लेवल पे 19,000 से लेकर के 63,000 तक की सैलरी रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसी से UR के लिए 4, OBC के लिए 4, ST के लिए यहाँ पर 1 और AWS के लिए, और कैटेगरी यहाँ पर देखे थे, और इसमें एज लिमिट इस तरीके से आपको देखनी है, ठीक है। बहुत सारे 7 पोस्टर्स यहाँ पर आपको देखने हैं। फिर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, फर्स्ट वाला पोस्ट जो है इसको 12वीं आपको कंप्लीट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से, स्किल टेस्ट नॉर्मली आपका जो है डिटेक्टेंस होना चाहिए, और 10 मिनट्स का यहाँ पर जो है 80 वर्ड्स पर मिनट ट्रांसक्रिप्शंस होना चाहिए, 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर पे, ओके। तो ये देख सकते हो। फिर यहाँ पर आप देखते हैं कि लोअर डिवीज़न क्लर्क का आपका 12वीं पास होना चाहिए, और स्किल्स यहाँ पर टेस्ट होंगे, और टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होना चाहिए इंग्लिश, और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में कंप्यूटर देखते कि टाइम अलाउ 10 मिनट्स। तो ये देख सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे यहाँ पर, तो जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एज डायरेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप नीचे आते हैं, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन 22। तो कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैसे किस तरीके से अप्लाई करना है, तो मैं आपको बता ही दूँगा। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं और डिटेल में तो देख लेना, क्योंकि उसमें हर डिटेल में बताई जाती है आपको फील क्या क्या कौन से तरफ किस तरीके से क्या क्या सारी चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे सेलेक्ट किया जाएगा आपको, जनरल इंग्लिश अवेयरनेस सबके सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ओके, अदर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, और इंस्ट्रक्शन COVID-19 के। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद यहाँ पर आप सारी जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर आप पा जाएंगे, और मैं ऊपर जाता हूँ। ये यहाँ से ये रहा एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपका नाम क्या है, फादर हस्बैंड नेम, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है इस फॉर्म को, ताकि आप फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकें, ठीक है। तो कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इसे वीडियो, फ्यूचर पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।